ओके हे हाय, मैं वापस आ गया। मेरा नाम अरसलान है और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने पिछले लेसन में कहा था कि मैं आपको इस लेसन में हम लोग साइट के पेमेंट्स जो थे उनको का उन पर काम करेंगे, पर फिर साइट के पेमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे सीन के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कार के मटेरियल पे वापस अब काम करना शुरू करते हैं ताकि हमारा कार का मटेरियल पूरा साइन कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं कार के मटेरियल से। तो मैं इधर आऊँगा वापस डिस्प्ले लेयर में और अपनी जो ब्रिज की लेयर थी उसको उसको हाइड कर दूँगा, और ये जो प्रॉक्सी है हमारे उसको ब्रिज की लेयर में डाल दूँगा। और मैं जाके वापस अपने आउटलाइनर में देखूँगा कि हमारे आउटलाइनर क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमने ये दो प्रॉक्सी मैच इंपोर्ट किए हैं तो अभी वो प्रॉपर जगह पर नहीं है। तो मैं इसको ले देता हूँ साइड ग्रिल प्रॉक्सी के लिए, साइड ग्रिड प्रॉक्सी, उसके बाद एक सीरियल लाइटिंग, और मैं इसको अपने ब्रिज के जीआरपी में डाल देता हूँ। उसके बाद ये हमारा दो कैमरा है, वीरे की डोम लाइट हमारी, मैं इसके लिए नया ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ये डॉग्स पीछे बहुत भौंकते हैं तो इसकी शायद हो सकता है आपको आवाज़ में बहुत दिक्कत आ रही हो। अब क्या करा जाए, डॉग का मुँह तो सिल नहीं सकते। तो LIGHTS लाइट्स, उसके बाद फिर लाइट्स हो गई, उसके बाद फिर कैमरा कैमरा, उसके बाद कैमरा कैमरा इस कैमरे के अंदर, और लाइट डोम लाइट्स इसके अंदर, और वापस ये सब कुछ स्ट्रीट लाइट इसके अंदर। ठीक है, अब ये हमारा सीन थोड़ा ऑर्गेनाइज है। अब मैं वापस आता हूँ इसमें अपने कार के मटेरियल पे। अब हमारी जो हमने इतना मेहनत लगा के अपने कार को सब कुछ असाइन किया था ना, वो हमारे काम आएगा। ये आपके साथ भी होगा क्योंकि हमारे ये सीन का स्केल इतना बड़ा है कि वो उसको एकदम जब फोकस करते हैं तो एकदम बाहर निकल जाता है वो। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वापस किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के जूम कर लीजिएगा तो वापस आराम से आ जाएंगे। अब मैं इधर आता हूँ अपने मास्टर लेयर में। मेरी मास्टर लेयर पर सारे मेरे मटेरियल प्रॉपरली असाइन थे जैसे कि मुझको चाहिए। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इधर आता हूँ। सबसे पहले मैं मोटे मटेरियल से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए कि हम लोग क्या कह रहे हैं। तो कार बॉडी मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर कार बॉडी सेलेक्ट किया, मैं इधर आया लाइट नॉर्मल में और मैंने यहाँ पे कार बॉडी मटेरियल लगा दिया। इसको मैं डबल क्लिक किया, उसके बाद फिर SH वो वाइप किया, ऐसे वीरे ब्लेंड मटेरियल, वीरे के लिए कार पेंट, जो वीरे का कार पेंट मटेरियल है बहुत पावरफुल और बहुत ही अच्छा मटेरियल है। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके सारे मटेरियल सेलेक्ट किया, इस पर अप्लाई कर दिया, और जो कार बॉडी के नाम था इसका नाम रिप्लेस कर लूँगा वरना फिर वो कार बॉडी बन करके आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करके एंटर करता हूँ कार बॉडी, मैं इसको इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पुराना वाला कार बॉडी मटेरियल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कार बॉडी मटेरियल अपना डिलीट कर दिया तो मुझे वहाँ सीन में वहाँ पे भी क्या कहते हैं सिंपल ब्लैंक सा मटेरियल हो जाएगा जो हमारी ये वाली लेयर थी मास्टर लेयर में। सो मैं इधर आता हूँ और मैं इसको यहाँ से सेव करके सेव मटीरियल, और मैं इसमें आके वापस अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारा वो ग्रीन ग्रीन ना दिखे उसमें अजीब सा। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वीरे के लिए लाइटिंग ये शेड इतना पावरफुल है कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है जो भी आपको चाहिए, पर मैं फिर भी अपने टेस्ट के लिए मैं इसका जो बेस कलर है वो थोड़ा सा और ब्लैक कर लूँगा और ब्लू को डार्क कर लूँगा, डार्क ब्लू कर लूँगा ज़्यादा बेहतर। उसके बाद फिर ये हमारा मोटा मटेरियल असाइन हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा ये वाला मटेरियल था इस पर भी हम लोग ये वाली चीज़ असाइन कर लेते हैं। इसको मैंने कॉल किया और उसके बाद फिर साइड ब्लैक इस पर असाइन कर दिया, तो ये दोनों तरफ असाइन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग को उसका फ़ायदा मिलेगा जो हम लोग ने उतना टाइम लगा के उधर मटेरियल असाइन कर रहे थे, अब उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा हम लोग को। हम लोग अपने मटेरियल्स को बहुत जल्दी जल्दी असाइन कर सकते हैं जो हमारी कार की विंडो की मटेरियल थी। मैं इधर आया, वरना भी हम लोग को वो सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ता। कार का ग्लास मटेरियल प्रॉपर है क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको इसकी ओपेसिटी की ओपेसिटी में आप अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर दें और इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ा दें, रिफ्लेक्शन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कार रिफ्लेक्ट वो रिफ्लेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा ये मटेरियल इतना आएगा नहीं इसमें, तो इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ा दीजिए और इसको फ्रेजनल कर दीजिए ताकि वो अपना जो आउटर जो बाहर का जो क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा कैप्चर करेगा तो वो देखने में अच्छा लगता है और वो सीन को थोड़ा और रियलिज्म देता है। हाँ, मैं इसे ग्लासेस को डार्क कर लेता हूँ ताकि दिखे नहीं कि अंदर कौन बैठा है, और हम लोग का जो अंदर का मटीरियल हमने बनाया नहीं है वो भी हमारा काम बचा रहे।
इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं, इस कलर का ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी फ्रंट की ग्रिल है हम उसको सही करते हैं वापस। उसके बाद कार क्रोम, इसमें मैंने लिख रखा था कार क्रोम मटेरियल, तो अगर आपको कार का क्रोम बनाना है तो आप इसमें फ्रेजनल हम लोग ऑन कर रहे थे, आप इसका फ्रेजनल मत ऑन कीजिए, इसको डायरेक्ट बिल्कुल हाई कर दीजिए। और उसके बाद आप कार क्रोम में आपको थोड़ी सी और कंट्रोल चाहिए अगर, तो यहाँ पर आइए सर्फेस एस यू आर, सर्फेस शेडर मटीरियल लीजिए और यहाँ पे रैम आर ई एम की, जो कि हम लोग को थोड़ा सा फॉलो अप देगा हमारे मटेरियल में। ये क्यों होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने फाइल सेव कर रखी थी। सो मैं मिलता हूँ आपको फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। हे हाय।